अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद इकबाल। नाज़रीन द पल्स में आज हम बात करेंगे टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में जिस दहशतगर्दी को जो है नाकाम बनाया गया। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये वाकया हुआ क्या था, इसके बाद अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊंगा और उनसे हम सवालात करेंगे इसी इशू पर। सैटरडे के रोज़ टाइम्स स्क्वायर के बाहर से एक SUV बरामद हुई जिसमें एक्सप्लोजिव मटीरियल था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई और पहले तो इसको नाकाम बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम चला कि फैसल शहजाद नामी एक शख्स ने ये SUV कुछ ही हफ्ते पहले खरीदी थी एक औरत से। फैसल शहजाद को इसके बाद जो है JFK एयरपोर्ट से जो है अरेस्ट किया गया जब वो कुछ ही देर बाद जो है दुबई फ्लाई करने वाला था। तकरीबन 53 घंटे के बाद इस इंसिडेंट के बाद फैसल शहजाद को अरेस्ट किया गया। फैसल शहजाद का ताल्लुक हयातबाद से है और इनके जो वालिद हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों पर, ख़ासतौर पर इसके असरात पाकिस्तान पर क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में फैसल शहजाद ने यह एतराफ़ किया है कि ये टाइम्स स्क्वायर को टारगेट कर रहा था, लेकिन ये इस कार्रवाई में अकेला था और इसके साथ कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन दूसरे बयान में शहजाद ने ये ज़रूर कहा कि इसने जो ट्रेनिंग है वो वजीरिस्तान से ली थी। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। हमारे दूसरे गेस्ट ब्रिगेडियर रशीद मलिक साहब, डिफेंस एनलिस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं आपसे आगाज़ करूँगा रशीद साहब, कैसे देखते हैं इस वाकये को आप, एक और सस्पेक्ट जो है पाकिस्तानी ओरिजिन का? अब देखिए, एक तो आई विल से इट्स वेरी प्रीमैच्योर, जो भी खबरें वहां से आ रही हैं बड़ी लिमिटेड सी खबरें आ रही हैं। ठीक है, इसको अटेंशन वर्ल्ड वाइड मिली है, बट व्हाट इज रियली ट्रू इज के एक आदमी से पकड़ा गया, एक गाड़ी वहां से मिली। बट अगर आप इस दोनों साइडों को आप एवेल्यूएट करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही एक बेसिक किस्म का अनाड़ी टेररिस्ट था जिसने इतने क्लूज छोड़े। बाहर जगह क्लूज छोड़ता गया, गाड़ी ली, नंबर दिया, उसके बाद वो वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, फिर उसके बाद वो घर गया, फिर वहाँ से वो दौड़ा। जब पता चला कि वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हकीमुल्ला मसूद का बयान आ गया कि ये हमने करवाया, तो उसको पता, फिर वो वहाँ से वो दौड़ा, फिर वो गाड़ी के अंदर जो उसने लगाया, वो जो बॉम्ब बनाए उसने, मतलब है जिसको, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैज बीन एक्चुअली चार्ज्ड With possessing weapons of mass destruction. इसको कह रहे हैं जी mass destruction के weapon, उस पे charge है एक, और वो इतना अनाड़ी weapon of mass destruction है कि तीन उसके पास वो gas के उसने tank अंदर रखे हुए थे और कुछ खाद पड़ी हुई थी, और ये मिलके एक low intensity सा धमाका खेज किस्म का मवाद था। But सारी चीजें पकड़ी जाती हैं, airport पे पकड़ा जाता है, जहाज में चला जाता है, मतलब है कैसे चला गया जहाज में, जहाज टेक ऑफ करने वाला। इस पे आप कह रहे हैं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का है, लेकिन जो एक्सप्लोसिव मौजूद थे वो कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं करते। बिल्कुल, वो तो जो जिस आदमी ने, वो भी एक अमेरिकन है जिसने वो सेल किया, वो जो चीज, वो जो गैस सेल की, और वो जो उसने कहा कि दिस मेक्स हार्डली एनी एक्सप्लोसिव, ये मिला के सारी चीजें मिलके फट भी जाए तो शायद एक बंदा साथ खड़ा उड़ जाएगा, ये होगा। इट मेक्स, दिस इज अ वेरी पुअर पुटिंग टूगेदर ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, मतलब ये कोई ऐसा कोई नहीं पेडिग्री बॉम्ब था कि ये कह रहे हैं ना ट्रेनिंग करके आया। जी जी जी, ये वही अलकायदा है या वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 प्लान किया था, जिसको कहते थे कि बड़ी हाई क्लास ट्रेनिंग है ये। अगर उन्होंने ऐसा इफेक्ट दिखाना है तो आई थिंक ये तो इसमें बहुत सारे ग्रेज हैं, अभी बहुत सारे ग्रेज हैं। ये पढ़ा लिखा लड़का है तो क्या ये भी डाउटफुल होगा कि इसने अपनी ट्रेनिंग जो है वजीरिस्तान से ली है? ये अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि इसको मोस्ट प्रॉब्ली ये सेटअप हुआ है, ये सेटअप हुआ है। सेटअप मतलब है कि ही इज नॉट अ विलिंग किस्म का, ये किसी तरीके से फंस गया। अब अल्लाह जाने, थोड़ी देर का पता चलेगा कि क्यों फंसा है, क्या हुआ, बिकॉज ना उसको फैमिली से कोई प्रॉब्लम था। आज तक जितने भी दहशतगर्द पकड़े गए, आई थिंक ही इज द सबसे अच्छी फैमिली में से ये है। इसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बीवी है, दो बच्चे हैं। What is his need to do all this? वो नहीं कर। तो इस वास्ते I think personally कि there is something, अभी तक हमें नहीं पता चला, तो it's very premature to say कि ये totally इसका ये terrorist बन चुका था, पता नहीं क्या फंस गया किसी चीज में, क्या हुआ, तो ये this is premature। डॉक्टर साहब, initial thoughts क्या हैं आपके इस issue पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अभी बात आई है, मैं समझता हूँ एक अनाड़ी अंदाज से किसी ने कुछ बॉम्ब असेंबल करने की कोशिश की बड़ी, और अगर इसको कहा जाए कि ये ट्रेनिंग, अगर अलकायदा या साउथ वजीरिस्तान में ये ट्रेनिंग हो रही है, तो ये ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी है कि इसके अंदर बम ही नहीं भरता है।
तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जैजरेट हो रही है, सिचुएशन है ज़रूर, उसने कोई कोशिश की ज़रूर है, मगर ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ मटेरियल है नहीं, मगर क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और क्योंकि दहशतगर्दी एक मेजर न्यूज़ आइटम है, लिहाजा इस मामले को इस तरह से उछलता रहेगा। मगर इसके बहुत सारे मनफी असरात हैं जो पाकिस्तान की रेपुटेशन पर आ रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में है वो बहुत कॉर्नर्ड महसूस करता है, वो महसूस करता है कि हमारी बदनामी है, हमारे माशरे के अंदर हमारे ख़िलाफ़ तासुब होगा, और हर अंदाज से ये बात है दुरुस्त कि जहाँ पाकिस्तानी फोकस होता है तो पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी प्रेशर में आ जाती है। अच्छा, ये होगा ज़रूर, मगर मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूँ। मैं समझता ये हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ ज़रूर, मैं समझता हूँ कि फैज़ल शहजाद शायद ज़िम्मेदार होगा इस बात का, यकीनन उसने इकबाल जुर्म भी किया है, मगर जैसे अभी बात रखी गई ना कि उसने इतने सारे रास्ते में क्लूज छोड़े हैं, उसने जो गाड़ी ली, जिस औरत से ली, उससे टेलीफोन पर बात की, जिस टेलीफोन पर बात की वो टेलीफोन उसने गाड़ी में छोड़ा, गाड़ी के अंदर अपनी चाबियाँ छोड़ दी उसने, जिसमें घर की चाबी, घर की चाबी भी थी, 18 चाबियाँ उसके अंदर पड़ी हुई थी, सारा प्रूफ यानी सारा सारा ट्रेस उसके अंदर मौजूद था, तो बिल्कुल एक अनाड़ी अंदाज से किया, तो एक सोफिस्टिकेटेड टेररिस्ट नहीं था, पीरियड। अच्छा, मगर एक एक नया फोकस आया है, यानी वो नया फोकस इस वजह से आया है कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने पहली मरतबा वो बात कही है जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमेशा कहते थे। हम ये कहते थे कि ज़रूर ये दहशतगर्दी है, इसको पकड़ो, इसको रोको, इसको मत आगे बढ़ने दो। उसके साथ साथ हम ये कहते थे कि उस कॉर्डन को या उस अंगीठी को देखो या उस देखची को देखो जहाँ पर ये मामला पक रहा है। तो पहली मरतबा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि ये कोलैटरल डैमेज है, शायद ड्रोन हमलों की वजह से है, तो हम तो पहले से यही कह रहे हैं उसका रद्द अमल है, उसका रद्द अमल है जी। तो और हमें अक्यूज़ करते रहे टेलीविजन मीडिया वाले भी सब भी, जी आप उसका जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं, हम अभी भी जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहे, हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि जिन वजूहात की वजह से एक पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा ये पहला फिनोमिनन है तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इसराइल ने इस बात पर रिसर्च की है, हाइफा यूनिवर्सिटी ने इस बात पर रिसर्च की है कि जो वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग इसराइल में होती हैं वो किन फैमिलीज़ के लोग करते हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के भी नहीं होते, बेहतर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये एजुकेटेड लोग हैं। तीसरी बात ये कही कि ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होती इनकी, सिर्फ ये माशरे के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है उसकी हो रही है, उसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं कि उनकी पूरी कौम की बेइज्जती किसी ना किसी अंदाज से है। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि जनाब जिस अंदाज से हम सोचते थे कि ब्रेन वॉशिंग करके इनको या तो इस्लाम की तरगीब देते हैं या जो कुछ भी करते हैं और ये करते हैं, ये ऐसा मामला है नहीं। लिहाजा कॉज की तरफ भी रहना चाहिए, इन मामलात को रोकना चाहिए, जिसके लिए अमरीका तो हमसे बहुत आगे है ना। जो हम एक इनकॉम्पिटेंट टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, सस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई शख्स जो है इस तरह की हरकत करने भी जाता है तो क्या वो अपनी फ्लाइट की बुकिंग दो दिन बाद की कराएगा? बिकॉज 53 आवर्स के बाद उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। अगर उसका मकसद सुसाइड बॉम्बिंग नहीं था और उसका मकसद ये था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करके भाग जाए तो मे बी फ्लाइट वो फौरन ले लेता। 53 आवर्स का वेट, वो थोड़ा सा इसमें आई थिंक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जो जैसे मैंने ये देखा सारा, वो हुआ ये है, ही वाज नॉट गोइंग टू रन। एज सून एज एन इवेंट अकर्स, लेट्स से ये गाड़ी फट जाती, फिर सख्ती बहुत सख्त हो जाती है एयरपोर्ट्स पे, पोर्ट्स पे, हर ट्रेन स्टेशन पे बहुत एकदम हो जाता है। ये नॉर्मल है, ये हम भी करते हैं यहाँ पाकिस्तान में भी। अगर यहाँ एक बम फट जाए तो ट्रेन स्टेशनों पे, बस स्टेशनों पे कर ढूंढना शुरू कर दो, जो दाढ़ी वाला मिले पकड़ो उसको, जिसका वो लगे पश्तो बोलता पकड़ो उसको। वो तो ये हमारे यहाँ भी होता, वहां पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से है वो, मतलब है उसको रिसर्च करते हैं सारा कुछ।